वेलकम बैक, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 18 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम डेट है 2 जून 2019। इकोनॉमिक्स पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछी जाती है। जीएस पेपर वन का टेस्ट है। सारे के सारे टेस्ट जितने भी करा दिए अभी तक 17, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। बेल आइकन को प्रेस रखिएगा फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए। महिलाओं की भूमिका के उन्नयन और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से संबंधित कार्यक्रम कौन कौन से हैं? सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व अवकाश नियमावली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए कौन कौन से हैं इन तीनों में, महिलाओं के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, मातृत्व अवकाश नियमावली। तो यहाँ तीनों के तीनों जो योजनाएँ हैं और महिलाओं के दीर्घकालिक विकास को विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्ड ने कोष के शोध के मुताबिक भारत में महिला एवं पुरुष भागीदारी की समानता पर देश में कितने प्रतिशत के सुधार की बात स्वीकारी है। मतलब भारत में अगर महिला और पुरुष साथ मिलकर समान रूप से भागीदारी दें कार्य में, तो कितने जो परसेंट है वो सुधार हो सकता है, बताइए। तो ये हो सकता है 27%, 27% सुधार हो सकता है इसमें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कुछ कथन है, उन पर विचार कीजिए। पहला है, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के पूर्वोत्तर राज्य, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इंडिया के, बेहतर प्रदर्शन करना है किसमें, सेक्स रेशियो में, किंतु इसका संबंध उनकी संबंधित संपन्नता से नहीं बल्कि भीतरी राज्यों के खराब निष्पादन से। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, भीतरी राज्यों का खराब निष्पादन नहीं है। भारत के दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, संपन्न होने के बावजूद लिंगानुपात की दृष्टि से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनका सेक्स रेशियो इतना ख़राब नहीं है, बल्कि हाल ही में सिक्किम और बिहार का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो खराब चला। तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है इसमें। देख, क्योंकि पहला तो इसने गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य की तुलना में उनका सेक्स रेशियो अधिक अच्छा है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इतना ख़राब नहीं है जितना सिक्किम और बिहार का। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि पूर्वी राज्य। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, संपन्न होने के बावजूद लिंगानुपात की दृष्टि से बेहतर हैं। वर्तमान में सबसे जो खराब स्थिति है वो सिक्किम और बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पुत्र की चाह लिंग चयनित गर्भपात को बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है जी, जिससे लिंग अनुपात में विषमता पैदा होती है, होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 63 मिलियन महिलाओं के गुम हो जाने का अनुमान होता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। पुत्र की चाह से अनचाही लड़कियों की अनिश्चित श्रेणी बढ़ती है जो 21 मिलियन से अधिक है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी, सेकंड भी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुत्र की चाह की तुलना में, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे किसी घर में बार बार बेटियाँ पैदा हो रही हैं तो वो चाहते हैं कि उनका एक पुत्र भी हो, तो पुत्र की चाह में बेटी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। तो यह भी एक कारण है कि 21 मिलियन से अधिक जो है वो लड़कियों की आबादी हो जाती है, होती है, हो गई है वर्तमान में, और यह अनिश्चित श्रेणी दर्शाती है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सही हैं। नंबर 5 देखते हैं। पानी की कमी और सीमित कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि को पूर्ण रूप से सिंचित क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने के संभावित उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ड्रिप सिंचाई और जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, उपर्युक्त संसाधनों को आवंटन में उच्च प्राथमिकता, किनको, इनको, ड्रिप सिंचाई को और जल प्रबंधन को। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हो गए। विद्युत आर्थिक सहायता को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में प्रतिस्थापित किया जाना, विद्युत आर्थिक सहायता को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में प्रतिस्थापित किया जाना, ये भी करेक्ट है। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों के तीनों यहाँ पर जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। पानी की कमी और सीमित कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि को पूर्ण रूप से सिंचित क्षेत्र में प्रतिस्थापित करना है, तो आपको ये तीन कार्य करने पड़ेंगे।
पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन संबंधी कारकों पर विचार करना। ये जलवायु परिवर्तन संबंधी कारक हैं, औसत वर्षा में कमी, औसत तापमान में वृद्धि, शुष्क दिनों की संख्या में कमी। उपर्युक्त में से कौन से कृषि कारक, मतलब कौन से कारक जो कृषि आय है उसको प्रभावित करते हैं, बताइए कौन से कारक हैं इनमें। देखिए, अगर वर्षा जो है वो आवश्यकता से कम पड़ेगी, मतलब औसतन से कम पड़ेगी, तो कृषि की आय को पक्का प्रभावित करेगी। टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा तब भी कृषि की आय प्रभावित होगी, फसलों को नुकसान पहुँचेगा। शुष्क दिनों की संख्या में कमी, देखिए संख्या में अगर कमी होगी तब तो कृषि को फायदा होगा, अगर शुष्क दिनों की संख्या बढ़ती है तब तो कृषि को घाटा होगा। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। तो हेयर द आंसर इज हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तो शुष्क दिनों की संख्या में वृद्धि कृषि आय को प्रभावित कर सकती है, ना कि कमी। नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन संबंधी कारकों पर विचार करना है। सफल विकास में दो तरह के संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सफल विकास में दो तरह के संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, करेक्ट है। संसाधनों को निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में लगाना और संसाधनों के बड़े हिस्से को उत्पादकता की तीव्र समृद्धि की संभाव्य वाले क्षेत्रों में लगाना सफल विकास के संरचनात्मक परिवर्तन के दो प्रमुख घटक हैं। तो करेक्ट हो जाएगा ये भी, दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट जो सही हैं वो, तो एक पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, पढ़ लीजिएगा इसको। नंबर 8 है, परिवर्तनों की सफलता सुनिश्चित करने में निम्न में से किस क्षेत्र की अहम भूमिका होती है। किस क्षेत्र की होती है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। परिवर्तनों की सफलता सुनिश्चित करनी है तो ये विनिर्माण क्षेत्र जो होता है इसकी जो सबसे अहम भूमिका होती है परिवर्तनों की सफलता सुनिश्चित करने में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुनियादी गुरुत्व प्रतिमान जिसको बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल पद से क्या अभिप्राय है। छोटे और बड़े देशों का आयात निर्यात बराबर होना, छोटे देशों का बड़े देशों की तुलना में कम व्यापार करने की प्रवृत्ति, या छोटे देशों का बड़े देशों की तुलना में अधिक व्यापार करने की प्रवृत्ति। तो देखिए, जो ग्रेविटी मॉडल होता है, जो गुरुत्व प्रतिमान होता है, उसका अभिप्राय होता है कि जो छोटे देश होते हैं वो बड़े देशों की तुलना में अधिक व्यापार करने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, विकसित देश उभरते बाजारों की अपेक्षा किन करों से अपने राजस्व का उच्च अनुपात संग्रह करते हैं। विकसित देश मतलब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में ऐसे कौन से टैक्स लगाते हैं जिससे उनका जो अनुपात है वो उच्च हो जाता है, जो रेवेन्यू जो उनका संग्रह होता है। तो कौन सा होता है वो, देखिए अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर या माल एवं सेवा कर, इनमें से बताइए। तो देखिए, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो जो डायरेक्ट टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर लगाकर ही सबसे ज़्यादा राजस्व संग्रह कर सकते हैं उन देशों की तुलना में, मतलब विकासशील देशों की तुलना में, जो और सब अप्रत्यक्ष कर या फिर माल एवं सेवा कर से अपना राजस्व अर्जित करते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वो डायरेक्ट टैक्स लगाकर बहुत ज़्यादा कर संग्रह कर सकती हैं। तो चलिए, 10 के 10 यहाँ प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, ये कम्प्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे टेस्ट वहाँ पर पढ़ें। फिर मिलेंगे एक और टेक्स्ट के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आती है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।